यूएनजीए के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी फुल फॉर्म है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने डिसाइड किया है, फैसला लिया है कि वो मालदीव्स के सपोर्ट में वोट करेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं जी, यूएनजीए के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के, अध्यक्ष के इलेक्शन हो रहे हैं। और मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला साहिद, उनके पक्ष में दिया है कि इनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। इंडिया ने अपना वोट दिया है इनके पक्ष में। मालदीव कहाँ जी, पहले ये देखो आप, ये जी इंडिया, इंडिया के साइड में ये दिखाई दे रहा है आपको मालदीव्स, ये मालदीव है जी। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। अभी क्या है इस टाइम जी, एशिया पैसिफिक ग्रुप से इसका प्रेसिडेंट बनना चूज किया जाना है, एशिया पैसिफिक ग्रुप से। एशिया पैसिफिक ग्रुप का मतलब ये जी, ये एशिया है जी और ये पैसिफिक, इससे जी, इस रीजन से बनेगा जी इसका प्रेसिडेंट इस बार, समझ रहे हो? बारी बारी से बनता है जिसका, एशिया पैसिफिक से, कभी अफ्रीका से, कभी वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ये लैटिन अमेरिका, और या इससे जी, कैरिबियन से, रीजन से, तो इससे बनता है जी। अभी एशिया पैसिफिक का, ये एशिया पैसिफिक ग्रुप की बारी है जी प्रेसिडेंट बनने का। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप से जी, यहाँ 53 मेंबर स्टेट हैं जी, मतलब 53 कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं यूएनजीए के। ये अफ्रीका ग्रुप है जी, अफ्रीका के बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है जी ये एशिया ग्रुप, इसमें जो पार्टिसिपेट करता है, इसके मेंबर हैं जो। ये टेरिटरी में जी एशिया और ओशिनिया के मेंबर कुछ आते हैं जी। अब यूएनजीए क्या है ये देखते हैं जी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये क्या जी, आपने पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड पीस, शांति एस्टेब्लिश की जा सके, आगे कोई तीसरा विश्व युद्ध की नौबत ना आए, तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इस वजह से बनाया गया था जी यूनाइटेड नेशन। तो इसके 6 ऑर्गन है जी, कुछ स्पेशलाइज एजेंसी है। उन 6 ऑर्गन में से, हिंदी में बोलते हैं अंग, 6 अंग हैं, उन 6 अंग में से एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी एक ऑर्गन है, अंग है। इसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ये असेंबली क्या है जी, मेन डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है जी यूनाइटेड नेशन का, पॉलिसी बनाती है जी यूनाइटेड नेशन के लिए। इसमें जी 193 मेंबर स्टेट हैं जी इसके, जितने यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं ना, टोटल मेंबर कंट्री, सदस्यता हासिल है कंट्रीज़ को, वो सारे मेंबर इसमें जी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं। तो ये केवल एक ओनली यूएन बॉडी है जो यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जितने सारे मेंबर यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं, समझ रहे हो? इसके प्रेसिडेंट होते हैं जी जनरल असेंबली के, ईच ईयर इलेक्शन होता है जी उसका हर साल, और एक साल के लिए वो ऑफिस संभालते हैं, एक साल के लिए चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। और ये एनुअली रोटेट होती है जी प्रेसिडेंसी से, जैसे एक बार अफ्रीकन ग्रुप से जी, फिर दोबारा एशियन पैसिफिक ग्रुप से बनेगा प्रेसिडेंट, फिर ईस्टर्न यूरोप से बनेगा जी, फिर लैटिन अमेरिकन या कैरिबियन रीजन से बनेगा। लैटिन अमेरिकन और ये है रीजन है जी, ये वाला रीजन है, ये देख सकते हो आप, इसे इरेज कर लूँ मैं, ये वाला रीजन है जी जो अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, इसके बीच वाला रीजन लैटिन अमेरिकन, और ये कैरिबियन सी है यहाँ पे जी, इसके अराउंड जो कंट्री है उन्हें कैरिबियन सी बोलते हैं जी, कैरिबियन सी वाली कंट्री, तो ये कंट्री आते हैं जी इसमें, इनसे बनेगा। और फिर वेस्टर्न यूरोप या अदर स्टेट हैं उनसे बनेगा जी। ये बारी बारी से प्रेजिडेंटशिप इसमें रोटेट होती रहती है, समझ रहे हो? कहने का मतलब ये जी, जब अगली बार इलेक्शन होंगे तो एक बार जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जी, उससे कोई देश पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन के लिए, फिर एशिया पैसिफिक से करेगा जी, ऐसे बारी बारी चलता रहता है इनमें, समझ गए? इसमें जी डिसीजन कैसे ले जाते हैं, कोई फैसला लेना हो कैसे लेता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? देखो जी, अगर डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई, जैसे इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना है, जैसे पीस एंड सिक्योरिटी पे, शांति और सुरक्षा के लिए कोई डिसीजन लेना है, या कोई नया मेंबर बनाना है जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, या कोई बजट से रिलेटेड मैटर है, बजट पास करना है जी इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो उस पर जी 2/3 मेजोरिटी से डिसीजन होता है। जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 मेंबर हैं जी, समझ गए? तो इसमें जी 1/3 मेंबर, मतलब 2/3 है ना, 2/3 मेंबर वोट देंगे तभी वो रिजोल्यूशन पास होगा। बाकी के जो सारे क्वेश्चन है जी नॉर्मल, कोई भी डिसीजन लेना वो सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा अगर मेंबर उसमें पक्ष में वोट करें तो डिसीजन ले लिया जाता है। जो भी वो डिसीजन लेता है जी, जैसे असेंबली, इसकी कोई भी नॉन बाइंडिंग वोट्स होती हैं जी इसके पास, असेंबली के पास। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जी, इसके जो मेंबर होते हैं 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जी, और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जी कितने, 10। तो जो परमानेंट मेंबर होते हैं ना 5, जैसे यूएसए जी, अमेरिका, चाइना, रशिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं जी। कौन कौन से? यूएसए, चाइना, रशिया, यूके और फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। इनके पास वीटो पावर भी है जी, और ये बाइंडिंग डिसीजन भी ले सकते हैं जी, बाइंडिंग वोट, इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये भी एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जैसे यूएनजीए, लेकिन यूएनजीए के पास नॉन बाइंडिंग वोट है, इसके पास बाध्यकारी वोट नहीं है और ना ही कोई वीटो पावर है जी। अब ये जो यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है जी, चार्टर बोलते हैं उसे, यूनाइटेड नेशन के जो रूल्स वगैरह, उनके हिसाब से जनरल असेंबली क्या क्या कर सकती है जी, क्या क्या काम है इसके। ये जनरल असेंबली क्या है जी,
यूनाइटेड नेशन का जब बजट पास करना, तो ये अप्रूवल ये देती है, कंसीडर ये करती है। कोई भी फाइनेंशियल असेसमेंट करनी है मेंबर स्टेट्स की, ये करती है जनरल असेंबली। कोई भी नॉन परमानेंट मेंबर की जब इलेक्शन होता है जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, अभी 2021 से 2023 तक इंडिया भी रहेगा जी, 10 में से एक इंडिया भी है अभी, तो इसके जो इलेक्शन होता है जी नॉन परमानेंट मेंबर का, उसका इलेक्शन कौन करता है जी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है जी, इलेक्ट करती है ना नॉन परमानेंट मेंबर को, समझ गए। और कोई भी मान लो रिकमेंडेशन देनी है सिक्योरिटी काउंसिल को सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट करने के लिए, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट होती है जी यूनाइटेड नेशन में। जैसे अभी ओंटेरियो गुतेरस है जी, ओंटेरियो गुतेरस नाम के आदमी है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, तो इसको भी अपॉइंट करना है, तो रिकमेंडेशन कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, समझ रहे हो, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी। और क्या करता है जी, जैसे मान लो कोई कॉपरेशन से रिगार्डिंग या इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना है, तो उस पर कॉपरेशन करना है, उसके प्रिंसिपल पे रिकमेंडेशन सिफारिश कौन देता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देती है जी। नेक्स्ट है जी, कोई भी क्वेश्चन मान लो ऐसा रेज हुआ है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से, या फिर कोई डिस्प्यूट ऐसा है जी जिसे सिक्योरिटी काउंसिल हैंडल कर सकती है, तो उस पर कोई डिसीजन नहीं देगा जी। उसके अलावा कोई डिसीजन है तो उस पर ये रिकमेंडेशन दे सकता है, अपनी डिस्कस कर सकता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, समझ गए। नेक्स्ट क्या है जी, इसने जी 2019 से लेकर 2028 तक का जो ये है जी पीरियड, इस पीरियड को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है जी, मतलब यूनाइटेड नेशन ने नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस डिक्लेयर किया हुआ है, ये एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट है जी। मतलब यूनाइटेड नेशन है जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, उसने जी 2019 से 28 से लेकर इस पीरियड को नेल्सन मंडेला डिकेड डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब 10 साल हो जाते हैं ना, डिकेड का मतलब 10 साल, इस 10 साल के पीरियड को नेल्सन मंडेला ऑफ पीस शांति के लिए डिक्लेयर किया हुआ है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका जो कंट्री है जी, ये देखो साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका दिखाई दे रहा है अफ्रीका में, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जी, इसको इंडिपेंडेंस दिलाई अंग्रेजों से, ब्रिटेन से, नेल्सन मंडेला का अहम योगदान था जी, मेन लीडर थे, जैसे हमारे यहाँ पे गांधी हैं ऐसे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो यही था जी इस लेक्चर में।